हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम एक्सरसाइज 5B क्वेश्चन नंबर 1 फिल इन द ब्लैंक्स करने जा रहे हैं। ये बेस्ड है प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स के ऊपर। तो यहाँ ब्लैंक्स में क्या भरना है वो देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, रूट 11 प्लस 2√11 इज इक्वल टू 2√11 प्लस डैश। मतलब यहाँ तो देखिए दो नंबर्स दिए गए हैं, रूट 11 को 2√11 से ऐड करने पर क्या आंसर आएगा। लेकिन क्या हम इधर 2√11 प्लस रूट 11 भी लिख सकते हैं? यस, क्योंकि ऑर्डर चेंज करने से आंसर चेंज नहीं होगा। 5 प्लस 2 भी 7 है, लेकिन मैं पहले 2 लिखूं और बाद में 5 लिखूं तो भी आंसर 7 ही आएगा। तो इसे कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। लेकिन ये रियल नंबर्स का चैप्टर है तो हम लिखेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन और रियल नंबर्स। ए चेंज इन द ऑर्डर ऑफ एडिशन और मल्टीप्लीकेशन डज नॉट चेंज द रेस्पेक्टिव सम और प्रोडक्ट। मतलब अगर आप एडिशन का ऑर्डर चेंज करोगे तो आंसर में चेंज नहीं आएगा। तो ये है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो उसी तरह से सेकेंड सम में देखिए, यहाँ 4.5 बार है और यहाँ 3.56 है। तो अगर मैं ऑर्डर चेंज करूँ, इन्होंने पहले ही 3.56 लिखा है, तो मिसिंग नंबर क्या होगा? यही होगा, ठीक है। उसी तरह से अभी ये तो दो नंबर्स थे, यहाँ कितने नंबर्स इन्वॉल्व है? 2 नंबर्स आर इन्वॉल्व इन दोनों सम में, इसीलिए हमने इसे कम्यूटेटिव कहा। लेकिन यहाँ देखिए बच्चों, 2√5 प्लस 3√3 प्लस 5, मतलब यहाँ 3 नंबर्स इंक्लूडेड है। अब तीन नंबर को अगर हम ऑर्डर चेंज करें तो क्या आंसर सेम आएगा? देखते हैं। देखिए, अगर मैं 1 लिखूँ, 1 प्लस 2 प्लस 3, सो क्या आंसर आएगा? 3, 4, 5, 6। लेकिन मैं ऑर्डर चेंज कर दूं, यहाँ 1 फिर 3 फिर 2 करूं, तो 1 प्लस 3 4, 4 प्लस 2 6। अगर मैं फिर से चेंज करूं, 3 प्लस 2 प्लस 1 तो भी 6। मतलब अगर तीन नंबर्स का ऑर्डर भी चेंज करेंगे तो भी एडिशन में कोई फर्क नहीं आएगा। तो इसे कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि तीन नंबर्स इन्वॉल्व है, ठीक है। तो यहाँ 2√5 है, 5 भी है, तो क्या मिसिंग है बच्चों? 3√3, तो यही आएगा इसमें, ठीक है। अब यहाँ भी तीन नंबर्स इन्वॉल्व है तो ये भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हो गया। सो पहले दो क्वेश्चन में 2 नंबर्स इन्वॉल्व थे, अब यहाँ 3 नंबर्स इन्वॉल्व है, तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स। क्यों रियल नंबर्स? क्योंकि जगह जगह पे इरेशनल नंबर्स हैं, रूट 5, रूट 3, ये सब इरेशनल है। और हमें पता है रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स साथ में हों तो उसे हम रियल नंबर्स कहते हैं। तो इस समय यहाँ 1, 2, 3 नंबर्स है, लेकिन यहाँ सिर्फ 6.94 एंड 4.05 है। मतलब मिसिंग क्या है? 3.8 बार, ठीक है। इसमें भी बच्चों, इस साइड तीन नंबर्स है, 3/4, 3/4, 2/5, 2/5, क्या मिसिंग है? 1/2, तो यहाँ लिखेंगे हम 1/2। सो दिस इज ऑल्सो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स। तो अभी हमने दो प्रॉपर्टी के बारे में समझ लिया, वो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में बच्चों दो नंबर्स इन्वॉल्व होते हैं एडिशन में, और मल्टीप्लीकेशन में भी दो नंबर्स, लेकिन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में तीन नंबर्स इन्वॉल्व होते हैं और उनका ऑर्डर चेंज करने से आंसर चेंज नहीं होगा, सिर्फ एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन, ओके। तो इस सम को देखिए, अब यहाँ ब्रैकेट है और ब्रैकेट के बाद 5√5 है, और इन दोनों के बीच कोई साइन नहीं है। जैसे इस समय प्लस था, यहाँ कोई साइन नहीं, मतलब ये है मल्टीप्लीकेशन। मतलब 5√5 को 7 से भी मल्टीप्लाई करना है और 5√5 को 2√3 से भी मल्टीप्लाई करना है। तो इन्होंने 5√5 को तो 7 से मल्टीप्लाई कर लिया, फिर प्लस साइन को भी नीचे उतारा। अब क्या बचा? 5√5 इंटू 2√3। इंटू 2√3 तो है, क्या नहीं है? 5√5, क्योंकि 5√5 इज कॉमन टू बोथ दिस नंबर एज दे आर आउटसाइड द ब्रैकेट। अब इस सम में देखिए बच्चों, 1, 2/5, यहाँ ब्रैकेट के बाहर कॉमन है, तो 1, 2/5 को इससे मल्टीप्लाई किया है, क्योंकि कोई साइन नहीं, मतलब मल्टीप्लीकेशन। तो ये यहाँ इन्होंने दिखा दिया है 1, 2/5 इंटू 10√3/7। अब 1, 2/5 को इससे भी मल्टीप्लाई करना है, लेकिन ये नंबर क्या होगा? 1 to 5 का 1 to 5 है, बाकी क्या बचा? 11 to 5। मतलब ये आंसर आएगा हमारा 11 2/5।
अब नेक्स्ट सम है -10 3/7 + -0। बच्चे हमें पता है 4 - 4 0 होता है, 7 - 7 भी 0 होता है। क्यों? क्योंकि एक के आगे प्लस और दूसरे के आगे माइनस सेम नंबर्स है तो 0 होगा। एक के आगे प्लस और एक के आगे माइनस तो 0 होगा। उसी तरह अगर हमें 0 करना है तो सेम नंबर होना चाहिए। तो यहाँ ऑलरेडी एक माइनस है, जैसे यहाँ माइनस था, अब आगे क्या लगाना होगा? प्लस, प्लस इन्होंने पहले ही दिया हुआ है तो हमें सिर्फ लगाना है ये। तो एक प्लस एक माइनस सेम नंबर होगा तो 0 हो जाएगा। अभी 1 2/5 × -(-)1 कहा है? बच्चों याद है आपको, अगर हम किसी नंबर को उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करें तो 1 होता है। जैसे 5 का रेसिप्रोकल है, 5 का मतलब क्या? 5/1, तो उसका रेसिप्रोकल हो गया 1/5, तो 5/5 कैंसिल मतलब 1। 9 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/9, तो 9/9 कैंसिल हो गया तो 1। 12/1 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 12/1 का रेसिप्रोकल होगा 1/12, तो कैंसिल कैंसिल 1। मतलब इसका रेसिप्रोकल इधर होगा तभी तो कैंसिल होके ये 1 आएगा। तो इसका रेसिप्रोकल क्या है, पहले इसे इम्प्रॉपर करते हैं। 5 × 1 = 5, 5 + 2 = 7/5। मतलब 7/5 का रेसिप्रोकल होगा 5/7, तभी तो 5 × 1 = 5, 7 × 1 = 7, 1/1 निकल कर आएगा। तो हमारा क्या आंसर होगा? 5/7। और ये कैसे आया बच्चों? इसका रेसिप्रोकल करके, क्योंकि ये नंबर है 7/5 और 7/5 का रेसिप्रोकल है 5/7। अब इस सम में चलते हैं, 2√5 + -(-0)। ठीक है, अभी हमने देखा था अगर हमें 0 चाहिए तो एक प्लस होना चाहिए, एक माइनस होना चाहिए, नंबर सेम होना चाहिए। तो यहाँ ये इसके आगे कोई साइन नहीं है, मतलब ये तो प्लस है, तो अभी हमें क्या चाहिए? माइनस और सेम नंबर। तो हम इधर क्या लिखेंगे? -2√5, क्योंकि आगे चल के जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये प्लस इंटू माइनस, माइनस होकर 0 ही आएगा। तो हमें माइनस भी लगाना है और 2√5 भी लगाना है। सेम नंबर्स ऑपोजिट साइंस विल गेट कैंसल एंड योर आंसर विल बी 0। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पूछा है, इज़ द सम ऑफ टू रियल नंबर्स ऑलवेज ए रियल नंबर वेरीफाई? मतलब जब हम दो रियल नंबर्स का एडिशन करते हैं, सम मतलब एडिशन, तो क्या उसका आंसर रियल नंबर ही होगा? पहले तो ये हम जानते हैं रियल नंबर्स क्या होते हैं बच्चों। रियल नंबर्स मतलब रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स, ठीक है। और इरेशनल नंबर्स मतलब नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, और इसमें तो सभी आ जाते हैं, होल नंबर्स, इंटीजर्स, फ्रैक्शंस, फिर नेचुरल नंबर्स, सभी आ जाते हैं, राइट। तो इन दोनों का सम क्या एक रियल नंबर ही होगा? क्योंकि सभी नंबर्स तो इसमें आ गए रियल नंबर्स में, तो किसी को भी किसी के साथ भी ऐड करो, रेशनल को इसके साथ ऐड करो, इसको इसके साथ ऐड करो, या इसको इसके साथ, सभी तो आंसर या तो ये आएगा या तो ये आएगा, लेकिन सभी तो रियल नंबर्स के अंदर ही है, बरोबर। तो उस तरह से अभी हमें वेरीफाई करने को कहा है, तो हम एग्जांपल से दिखाते हैं। चलो एक नंबर ले लेते हैं, सम ऑफ टू रियल नंबर्स है ना, सो एक रियल नंबर और दूसरा रियल नंबर। एक ले लेते हैं 4√3 और दूसरा ले लेते हैं 5। तो इन दोनों को ऐड करके और तो एडिशन होगा नहीं, तो यही आंसर रहेगा। और ये इरेशनल नंबर है तो चलेगा ना, वो भी तो रियल नंबर के अंदर ही आ रहा है। ऐसे आप ढेर सारा आंसर कर सकते हो, जैसे -7 + -4 और सिर्फ 4 करो, सो 1 + 1 - सब्ट्रैक्ट एंड साइन ऑफ ग्रेटर नंबर। तो ये तो इंटीजर्स में आ गया, इंटीजर्स रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर रियल नंबर्स के हैं अंदर है। तो यू कैन गिव लॉट ऑफ एग्जांपल्स। सो ये इज द सम। अभी थर्ड क्वेश्चन, डज द ऑर्डर ऑफ मल्टीप्लीकेशन मैटर फॉर रियल नंबर्स? नो, ऑर्डर तो मैटर ही नहीं करता है, क्योंकि अभी हमने देखा ऑर्डर चेंज करने से एडिशन और मल्टीप्लीकेशन में आंसर्स चेंज नहीं होगा। सो वेरीफाई करना है तो कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं, 3√3 × √5। तो 3√15 हो गया, क्योंकि √3 × √5 = √15। लेकिन मैं पहले ऑर्डर चेंज कर दूँ, पहले रूट फाइव लिखूँ, तो इससे क्या मेरा आंसर चेंज हो रहा है? नहीं। डज द ग्रुपिंग ऑफ रियल नंबर्स अफेक्ट द रिजल्ट ऑफ एडिशन और मल्टीप्लीकेशन वेरीफाई?
ग्रुपिंग करने से क्या एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में चेंज आएगा? नहीं, ग्रुपिंग मतलब दो से ज़्यादा नंबर, ठीक है, ग्रुप करने से तीन नंबर हो सकते हैं, चार नंबर हो सकते हैं, तो उससे क्या चेंज आएगा? नहीं। यहाँ इन्होंने ये प्रॉपर्टी में दिखाया भी है, देखिए बच्चों, ए चेंज इन द ग्रुपिंग ऑफ थ्री रियल नंबर्स वाइल एडिंग और मल्टीप्लाइंग डज नॉट चेंज। तो यहाँ प्रॉपर्टीज के अंदर भी वही लिखा गया है, अगर हम ग्रुप करें जैसे 2 + 3 + 5, ये सभी रेशनल नंबर्स हैं, तो इसका अगर मैं ग्रुपिंग इस तरह से करूँ तो क्या आंसर चेंज होगा? नहीं, इट विल बी स्टिल इक्वल टू द सेम, ठीक है। इसी तरह से अगर मल्टीप्लिकेशन की बात करूँ तो हाफ इंटू हाफ इंटू थ्री फोर्थ, ठीक है, तो इस आंसर क्या आएगा? 3/16। लेकिन इसे ही अगर मैं 3/4 इंटू हाफ करूँ तो क्या आंसर चेंज होगा? नहीं। सो ग्रुपिंग डज नॉट चेंज द रिजल्ट ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। अब ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, इलस्ट्रेट वेदर द क्लोजर प्रॉपर्टी अप्लाइज ऑन सब्ट्रैक्शन ऑफ रियल नंबर्स यूजिंग टू रेशनल नंबर्स दिस एंड दिस। मतलब दो रेशनल नंबर को आप यूज कीजिए और सब्ट्रैक्शन करके ये बताइए क्या क्लोजर प्रॉपर्टी इसके लिए वैलिड है या नहीं। देखिए बच्चों, दो रेशनल नंबर है, टू रेशनल नंबर्स दैट इज 2 1/7 एंड -3 2/5। तो सब्ट्रैक्शन करके देखते हैं इनका, 2 1/7 माइनस, ये सब्ट्रैक्शन का साइन और इसके आगे एक माइनस है तो वो भी लगाना होगा। तो 2 1/7 को हम 15/7 लिखते हैं और माइनस इंटू माइनस प्लस, 5 3 15 + 2 17/5 लिखते हैं। तो यहाँ हमने सब्ट्रैक्शन तो किया लेकिन वो साइन कन्वर्ट हो गया। फिर हम इसका एलसीएम निकालेंगे तो हमारा जो आंसर होगा वो रेशनल नंबर हो सकता है, वो फ्रैक्शन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो सभी किसके अंदर आते हैं? वो सभी रियल नंबर्स के अंदर ही आएंगे। तो इलस्ट्रेट वेदर द क्लोजर प्रॉपर्टी अप्लाइज। सो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहता है? क्लोजर प्रॉपर्टी कहता है इफ ए बी एंड सी आर एनी थ्री रियल नंबर्स देन देयर सम डिफरेंस प्रोडक्ट और क्वोशेंट इज अ रियल नंबर। तो उसका सम करो या डिफरेंस करो या प्रोडक्ट निकालो या डिवाइड करो, उसका आंसर एक रियल नंबर ही होगा क्योंकि रियल नंबर में सभी समा जाते हैं। तो यहाँ सब्ट्रैक्शन में देखिए बच्चों, इट इज अप्लाइज। सो हम लिखेंगे यस, क्लोजर प्रॉपर्टी अप्लाइज, और यहाँ सिर्फ हम आंसर फाइंड आउट करेंगे एलसीएम मेथड से। उतना ही बच्चों, अब इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज 5B भी खत्म हो गया बच्चों, और हम चैप्टर चेकअप की तरफ चल पड़े।